हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कोशिका में फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे, पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके सारे के सारे जीरोस निकालने हैं। दो जीरो ऑलरेडी गिवन है। अगर दो जीरो ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब कि एक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है और दूसरा एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 है। पहले एक्स की वैल्यू है, यानी पहला जीरो है अंडर रूट 5 अपॉन 3, दूसरा माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। इसका मतलब कि ये हो जाएगा, अगर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं LHS में, तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, इसको हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 5, और ये एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि जो भी जीरो के प्रोडक्ट होते हैं वो पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करके समझ लिया है। तो इसका मतलब कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चंट मिलेगा। हमने डिवाइड किया, बिल्कुल डिवीज़न जैसे हमने पहले के सारे क्वेश्चंस में डिवीज़न किए हैं, इसको करेंगे और परफेक्टली ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूफ है कि ये ज़ीरो है, मतलब कि फैक्टर है। तो ये एक डिवीज़न है, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3x टू द पावर 4 है प्लस ये 6x क्यूब है। तो अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है ही, अगर x स्क्वायर ले लें तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा, और 3x टू द पावर 4 और माइनस 5 से x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 2x के नीचे माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे, 3x क्यूब नीचे कैरी आ जाएगा। बाई कन्वेंशन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगी वैल्यू, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5 की वैल्यू बड़ी होती है माइनस 2 से, तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और ऊपर से कैरी आ जाएंगे माइनस 10x माइनस 5। फिर यहाँ पे हम प्लस 2 ले लेंगे, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 10x। बाई कन्वेंशन ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 करेंगे और ये वैल्यू सॉल्व हो करके 3x स्क्वायर माइनस 5, बाई कन्वेंशन ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा, बचेगा 0। अब जो क्वेश्चन आया है, इसका मिडिल टर्म हमें ब्रेक करना है, तो क्वेश्चन का मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमें पता चल जाएगा कि इसके जो वैल्यूज़ हैं वो जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसके दो वैल्यूज़ बनेंगे, एक बनेगा प्लस 1 और एक बनेगा माइनस 1। बट अगर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, सो इन दिस केस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे केस में भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर प्लस 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, यानी दोनों केस में 0 यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 ही होंगे। तो टोटल 4 0 यहाँ पे जो बने हैं वो है ऑलरेडी गिवन है अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, और जो दो हमने अभी निकाले हैं वो है माइनस 1 एंड माइनस 1। तो ये हो गए सभी जीरोज़ इस पॉलिनोमियल के।